हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग लेसन फर्स्ट की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। आज हमारा लेसन सेकंड है, वर्ड तथा वर्णमाला। वर्ड क्या होता है देखें, अ आ ई उ, ये सब वर्ड हैं। क ख ग, ये सब क्या हैं? वर्ड हैं। अब हम जब भी कुछ बोलते हैं तो ये यह कई छोटी छोटी ध्वनियों का मिला जुला रूप होता है। ये छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण को जब रूप दिया जाता है तो वह अक्षर कहलाता है। वर्णमाला, देखो बच्चों, वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को, किसी भी वर्ण को आगे पीछे नहीं, एक क्रम में रख कर उसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा, जैसे क के बाद खाय आएगा, आ के बाद बड़ा आएगा, इसी को वर्णमाला कहते हैं। जब हम इसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, वर्णों को सही क्रम में रख कर बनी सारणी वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर हमारे 11 होते हैं। देखो, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। व्यंजन, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। देखो, व्यंजन हमारे क्या हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ द ढ ड, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल, व स ख स ह। ये हमारे व्यंजन थे, ये सब व्यंजन हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन बोलते समय स्वरों की मदद लेनी, व्यंजन को बोलते समय हमेशा स्वर की मदद लेनी पड़ती है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। देखो, अन्य वर्ण क्या है? जैसे अंक, ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ड ढ वर्ण कुछ विशेष शब्दों को बोलने के काम में आते हैं, ये विकसित वर्ण कहलाते हैं। छ त्रंग ज्ञा स्राय, ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं बच्चों, इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मतलब अगर पूछा जा रहा है कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन बताइए, तो आप बताएंगे कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण को जब रूप दिया जाता है तो वो अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट, वर्णों को सही क्रम में रखकर बनी सारणी वर्णमाला कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वर बोलते समय हवा सीधी मुख से बाहर निकलती है, इनकी संख्या 11 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, इनकी संख्या 33 होती है। अंक, अयोग, अयोगवाह, ड तथा ढ विकसित वर्ण है, क्षत्रंज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, अब हम लोग आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। जितना वर्ण और वर्णमाला के विषय में हमने पढ़ा और जाना, आप लोग इसको एक बार फिर से वीडियो को देख कर रिविज़न कर लेना, उसको रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। बुक को जैसे बताया जा रहा है वैसे फिलअप करते जाना आप लोग। देखो, इसकी एक्सरसाइज में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, इनमें स्वर हैं। देखो, इनमें स्वर कौन से हैं? ई, ऑप्शन सेकंड जो है ई पे सही का निशान लगाओ। ख में देखो, इनमें व्यंजन कौन है? तो ख, इनमें पहला ऑप्शन हमारा सही है, सही का निशान पहले ऑप्शन पे लगाना।
इनमें संयुक्त व्यंजन कौन है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा गा में सही होता है, स्र, स्र पे लगाना टिक। और घ में देखो बच्चों, इनमें विकसित वर्ण कौन से हैं? तो इनमें विकसित वर्ण हमारे ऑप्शन नंबर 3 ड। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों का पहला वर्ण लिखिए। पहले में है कबूतर, कबूतर का हम पहला वर्ण का राइट करेंगे। खा में खरगोश है तो उसका पहला वर्ण खा राइट करेंगे। ग में पतंग है तो प, घ में जहाज है तो ज, अंग में चम्मच है तो च, च में सवार है तो सा। जैसे बुक में फिलअप किया गया है आप देख के अपनी बुक को ऐसे ही फिलअप कर लेना। अब देखो, किसी ने, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी ने गलती से स्वर और व्यंजन एक ही डिब्बे में डाल दिए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग डिब्बों में लिखिए। स्वर और व्यंजन को अलग अलग डिब्बों में छांटकर लिखिए। पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में मिक्सअप है पूरा स्वर और व्यंजन का, उसमें से हमें अलग करके स्वर और व्यंजन को राइट करना है। तो जैसे इसमें लिखा गया, देखो अ आ इ ई उ ऊ ओ, इसमें से छांटकर इसमें लिखा गया स्वर में लिख दीजिए, व्यंजन वाला व्यंजन में लिख देना कि स म घ प अ, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देना। अब देखो, खाली स्थानों में सही वर्ण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। माँ लिखा गया, हमने इसमें का भर दिया काम। ख में देखो जहाज, ग में घ में, ग में है कर, घ में कमल, अंग में नम जनक, च में पहाड़, छ में इमली, ज में नमक, झ में रा कसरत, फिर देखो खाली स्थानों में उचित स्वर को भरना है। जैसे आ लिखा गया है तो इसके बाद अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ आ। बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन 2 की रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 2 बुक एंड कॉपी, आप कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।